हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट के बारे में, जो आरआरबी का एलपी का सहायकों का एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल बात करें तो 21 क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको 6 मिनट में, मतलब टोटल टाइम होगा 6 मिनट। 21 क्वेश्चन होंगे, 6 मिनट होगा टोटल टाइम। 6 मिनट के अंदर 3+3 मिनट मीन्स 3 मिनट में आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और 3 मिनट में आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ आपको 21 पिक्चर्स दिखाई जाएगी और जिसके सामने कुछ कोई सा भी नंबर लिखा होगा उसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, कौन सा नंबर कौन सी पिक्चर के सामने। और उसके बाद आप जो आपको 3 मिनट इसके लिए दी जाएंगे, उसके बाद 3 मिनट के अंदर 3 मिनट बाद आंसर लगाना है। तो 3 मिनट बाद आंसर ऑप्शन दिखाई जाएंगे, कुछ इमेज दिखाई जाएगी, उसके सामने और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि इसके सामने कौन सा नंबर था जो आपने मेमोराइज़ किया था, मतलब वहाँ पर देखा था। तो इसके लिए आपको 3-3 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 3 मिनट के लिए आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और 3 मिनट में आंसर लगाना पड़ेगा। तो टाइमर स्टार्ट होगा, तो 3 मिनट आप मेमोराइज़ करना, उसके बाद 3 मिनट में आप आंसर लगाना और बाद में बताना आपके कितने करेक्ट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना इसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों ये टाइम अप हो चुका है, अब अपन बात करेंगे इसके आंसर्स की। तो डायरेक्ट मैं अब आपको आंसर्स बताऊंगा इसके आंसर क्या हैं। तो देखो फर्स्ट का आंसर कितना है, फर्स्ट का आंसर है 94, फर्स्ट का आंसर है 94 बी वाला। सेकंड का क्या है, सेकंड का भी बी वाला है 48, सेकंड का बी वाला है। थर्ड का भी बी वाला है। और फोर्थ का क्या है, फोर्थ का है ए वाला। उसके बाद फिफ्थ का भी ए वाला है। और सिक्स्थ का क्या है, सिक्स्थ का बी वाला है। सेवन्थ का ए वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं एट्थ नंबर की क्वेश्चन, तो एट्थ का बी होगा एट्थ का। नाइन्थ का ए होगा। टेंथ का बी होगा। उसके बाद इलेवेंथ है, उसका क्या होगा, उसका होगा बी होगा। इलेवेंथ का बी होगा। ट्वेल्व का ए होगा। थर्टीन का सी होगा। और फोर्टीन का क्या होगा, फोर्टीन का ए होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिफ्टीन्थ नंबर क्वेश्चन की, तो फिफ्टीन का क्या होगा, फिफ्टीन्थ नंबर का होगा डी। उसके बाद सिक्सटीन का भी डी होगा। सेवनटीन का सी होगा। एट्टीन का बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नाइनटीन का ए होगा। ट्वेंटी का क्या होगा, ट्वेंटी का भी ए होगा। और 21 का भी ए होगा। इस तरीके से आंसर होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मेमोराइज़ करके इसके आंसर लगाना है। दोस्तों आपको पूरे याद करना पड़ेगा, और अगर आप ट्रिक बना सको तो जल्दी से ट्रिक बना लो। ट्रिक में टाइम बर्बाद नहीं करना पूरा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में जल्दी से ट्रिक बन सकती है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपन इधर ऊपर से उठा, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि यदि मान लो इसी को, मान लो अगर ये नंबर है इनको याद करना, जैसे कि पांच लोगों ने चार मोर देखी, तो इस तरीके से ये याद रहेगा। 54 डायरेक्ट याद करोगे तो आंसर मतलब थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है। इस तरीके से ये हो सकता है, जैसे कि और मतलब ये तीन ये दिए तो थ्री दिए तो थ्री का स्क्वायर क्या होता था, नाइन होता है। तो ये नाइन यहाँ पे आ गया, और इसमें से नाइन में से ये तीनों अपन एज्यूम कर ली, मान के चल रहा है कि तीनों वाइट होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक ब्लैक है। तो एक माइनस कर दो नाइन में से, तो एट आ जाएगा। तो एट नाइन यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना। आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हो वैसे। अगर किसी को याद नहीं होते ये नंबर, इसलिए थोड़ा ट्रिक बना सको जल्दी। ट्रिक में टाइम बर्बाद नहीं करना, नहीं बन रहे तो छोड़ दो सीधा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, तो इसमें ये जो दिख रही है ये पाँच है, ये गिन के देख लो आप। ये जो नीचे दी है ना, ये पाँच है, और ये ऊपर दो आँख और नोज को मिला के तीन हो गई, तो तीन पाँच यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जैसे कि ये पाँच ये दिए हैं, जे ब्लैक कलर की गेट खिड़की जो भी है ये दिए हैं, तो पाँच दिए हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4+1=5, तो मतलब यहाँ पे 41 हो जाएगा। इस तरीके से ये मैं बता रहा हूँ। देखो ट्रिक मेरी तो इसी तरीके से बनेगी अगर आप बनाओगे, बाकी इतनी जल्दी कोई भी ट्रिक नहीं बना सकता। जल्दी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत कम है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप जो ट्रिक बन सके तो बना लो, अगर याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।